नमस्ते सभी को। मैं प्रतिभा पुणे से हूँ। हमारे परिवार में मैं, बेटी अंजलि, बेटा आदित्य और श्रीमान जी महेश जी और हमारी सासू माँ। मेरा डॉक्टरेट हुआ है एस्ट्रोफिजिक्स में। मैंने शुरू से ही, मतलब 12-13 साल मैंने इनवॉलंटरीली 12th तक के बच्चों के साथ में काम किया। इनफॉर्मली शिक्षा से इन्वॉल्व हूँ। पेरेंट्स के साथ में, टीचर के साथ में भी वॉलेंटरीली काम किया है। आगे जाने के लिए स्टेप्स नहीं बन पाता था, स्पेस नहीं मिलता था, तो बड़े ढाढ़स के साथ में, धैर्य के साथ में जो विचार मुझ में आ रहे हैं उसको देख पाना, उसको बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए देख पाना कि ये मैं हूँ, और इसको स्वीकार पाना मेरे लिए बहुत भारी गया कुछ दिन। लेकिन मैं निष्ठा से बनी रही और ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अभ्यास वन को स्वयं में करती रही, और जो भी कुछ दिख रहा है उसको देखने का निर्णय बनाए रखा। मुझे तब ऐसा ही लगता था कि ऑपरेशन चल रहा है और बिना एनेस्थेसिया वो ऑपरेशन चल रहा है। इतना मैं पीड़ा खुद में पाती थी। दूसरे स्टेप में ये दिखता था कि जो भी स्वभाव के अनुरूप नहीं है वो प्रतिकूलता में जाता था, तो उसका भी पीड़ा बनता था। जो विचार मुझ में चल रहे हैं वो विचार, उसका मूल्यांकन जब मैं करती थी तो ऐसा लगता था कितना मैं बाहर से जो भी कुछ ली हूँ उसको कैसे परसेप्ट की हूँ, और उसका जो परिणाम मेरे शरीर पे, मेरी प्रकृति पे पड़ता था वो भी मैंने देखा। लेकिन ये सब करते हुए, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 को बड़े इंटेंसिटी से करते हुए बहुत धैर्य लगा। एक आदत सी या संस्कार सा बना हुआ था कि हमको गलती नहीं करना है। बचपन से ही परिवार का ऐसा वातावरण रहा है कि गलती ना हो इसके लिए आप प्रयास कीजिए, या गलती हो तो, मतलब वो गिल्ट सा रहता था कि ऐसी गलती मैंने कैसे कर दी, ऐसे गलत विचार कैसे आ रहे हैं मन में, वो गिल्ट बहुत रहता था मन में। तो उस गिल्ट के साथ में ना हम उस स्थिति परिस्थिति के साथ में जी पा रहे थे, ना ही उसको ठीक से समझ के आगे जाने का कुछ रास्ता था। जैसे काली दीवार सी बन गई थी सामने। जब ये गिल्ट क्यों आ रहा है, इसको मैंने खुद में एक्सप्लोर करने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा दिखा है कि कहीं हमने खुद का ही अधिमूल्यन करके रखा है, हमने खुद को ही समझदार मान के रखा है, इसलिए शायद जो गलत विचार या जो गलत हो रहा है उसका एक्सेप्टेंस नहीं बन रहा है अंदर। इसको और एक्सप्लोर करके देखा तो मुझे ऐसा लगता है अहंकार के कई पुट मुझ में थे, जो अपने विचार को ही ठीक समझना, उसके आधार पर जो मैं कर रही हूँ उसको ठीक मानना, ये सारी बातें मुझ में दिखने लगी मुझे। बट अभी वो गिल्ट कम हो रहा था ये भी मैं देख पाई। तो धैर्य के साथ में अपने को देख पाना, उसका सही सही मूल्यांकन करना, और निष्ठा के साथ में अभ्यास को करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, इस संकल्प के साथ में फिर मैं अभ्यास को कर पाई और अभी भी कर पा रही हूँ। पहले से ये मान मान के ही रखा था और इसी मान्यता से चल रहे थे कि अंदर कुछ भी हो, बाहर हमको रिएक्ट नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अपमान नहीं करना है किसी का, जो भी है वो अंदर ही दबा के रखता था। लेकिन परिवार में ऐसी 10 बार बता दबाने के बाद में एक बार तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो ही जाता था। अब मैं देख पाती हूँ कि एक रिएक्शन मेरा कितने लोगों का मन बिगाड़ता था, अपने परिवार का वातावरण सब बिगड़ जाता था। पहले पहले ये जब ध्यान में आया ना तो बहुत पीड़ा होती थी, बट अभी मैं उसको ठीक से समझ पा रही हूँ। जो मैं अंदर में देखती थी उसको एक्सप्रेस करने का जो प्लेटफॉर्म है,
वो मैं मतलब मुझे वो चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी, लेकिन सही भाषा और सही भाव के रहते हुए ही वो ठीक से मैं कर पाऊंगी, इसकी मुझे आश्वस्ति बनी। जब मैंने मेरे सही भाव और विचार के साथ में उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो एक क्या बोलता है वो जर्नी सुखद परिवार में शुरू होनी शुरू हुई। मैंने देख पाई वो जो भी बच्चों के साथ में गलत में कर रही थी, या महेश जी श्रीमान जी के साथ में, या सासू माँ के साथ में मुझसे जो गलती हो रही थी, मैं अपने भाव को ठीक रख कर मैं उनके साथ में वो शेयर कर पा रही थी। अभी शेयर कर पाने के प्रयास में ही हूँ, और इससे मेरी ये विश्वास बना मुझ में कि अगर हम हमारी स्थिति को ट्रांसपेरेंटली जिनके साथ में हम अभी जी रहे हैं उनके साथ में हम शेयर करते हैं, तो एक अलग संवाद का माहौल बनता है, और जहां से हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए और भी इम्पेटस मिलता है, एक्सेलरेट होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये या स्वयं की समझ बढ़ाने हेतु जो भी कुछ कार्यक्रम हम करते हैं सही दिशा में, उससे दूसरों जो हमारे साथ में जी रहे हैं उनको भी एक दिशा मिलती है और स्पेस मिलता है खुद में देखने का और एक्सप्लोर करने का। ये मैं अभी बिल्कुल जी पा रही हूँ, उसको ट्रांसपेरेंटली हमारे परिवार में मैं देख पा रही हूँ। जो चौथा स्टेप है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगा मुझे, कि बाहर की स्थिति परिस्थिति या लोग जो है उनको ही दोष देना कहाँ तक मतलब ठीक है, या उससे क्या हाथ में आएगा। तो निर्णय हर समय मैं ही ले रही हूँ, ये जब मुझे क्लियर हुआ, तब बाहर के लोगों से या परिस्थिति को दोष देना या उससे मैं बाहर आ सकी। अब उन लोगों को मैं ठीक-ठीक देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उनकी स्थिति परिस्थिति को मैं समझ पाती हूँ। ये हर बार नहीं हो पाता, बट उसके प्रयास में तो लगी हूँ। जितना मुझे सुकून मिला है वो ही मेरे लिए आगे जाने के लिए प्रेरणा के रूप में बना हुआ है। इस जिम्मेदारी के साथ में फिर हमने बचपन में एक लाइन सुना था कि अगर परिस्थिति से आप जूझ रहे हो तो या तो खुद को बदलो या परिस्थिति बदलो। अभी मैं उस वाक्य को पूछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है एक वाक्य में कितनी सारी गहन बातें हमारे पास में बचपन से ही पहुंची थी, लेकिन हम ही थे कि उसका सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। खुद को बदलो यानी कहने का आशय कि खुद को एक्सप्लोर करो, परिस्थिति बदलो यानी कि परिस्थिति को देखने की दृष्टि बदलो। तो ये सारे कंटेंट बहुत बचपन से ही हमारे पास में थे, लेकिन जो वाक्य थे जो शब्द थे उसको सही अर्थ मैं नहीं दे पा रही थी। लेकिन अभी जब मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हूँ, कई अभ्यास सत्र हमने कानपुर में जाके किए हैं, तो उसकी ये उपलब्धि है कि मैं परिस्थिति को अच्छे समग्र दृष्टि को एक्सप्लोर करने का या देखने का, दृष्टि को वाइडन करने का एक एबिलिटी बन गया है खुद में। जो भी कठिन परिस्थितियां जीते समय मैंने झेली है, अब जाके पीछे मुड़ के उसको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सारी स्थिति परिस्थिति या घटनाएं मेरे उन्नति के अर्थ में ही है। ये सारी स्थिति परिस्थिति घटनाएं और व्यक्ति को अपने उन्नति के अर्थ में देख पाऊं, यही मेरे दृष्टि का परिमार्जन है जो मुझे करना है आगे। इस अर्थ में अगर देखूं तो हर व्यक्ति मुझे मेरी पूरकता के अर्थ में ही दिखाई देता है। ये कितना बड़ा और आश्वस्ति भरा परसेप्शन है हर मानव का, कि सारी कायनात, सारे मेरे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स और समस्त मानव जाति, प्रत्येक हर एक मानव के उन्नति के लिए ही है, और परस्पर पूरकता उसी अर्थ में फिर हमको मतलब समझ में आती है। तो
स्टेप्स फोर से दूसरों से शिकायत मुक्त होने का रास्ता मिला, क्योंकि हर क्षण हर पल जो भी कुछ चल रहा है उसका निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ, ये स्पष्टता से दिखाई देने लगा है। बाहर जो भी होता है उसका निर्णय तो अंदर ही होता है पहले। भाव आते नहीं है, भाव मैं ही लाती हूँ। विचार कहीं से आते नहीं है, वो विचार तो मैं ही लाती हूँ। सो अल्टीमेटली ये मैं क्लैरिटी से देख पा रही हूँ कि निर्णय लेने वाली मैं ही हूँ। इसी के अर्थ में फिर स्वयं के सुख दुख को दुख के लिए जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आगे बढ़ने का और एक अपनी ही मतलब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये सब इसको लेके जब चलते हैं तो कहीं बोझ कम होने लगता है धीरे धीरे, और सहजता आने लगती है, खुद में स्थैर्य दिखने लगा है जो उत्साह बनाता है और आगे बढ़ने के लिए फिर रास्ता खोलता है। पीछे देखती हूँ तो बहुत सारा विरोध का भाव भी अंदर बनाए रखी थी, जिसका परिणाम मेरे शरीर पे हो रहा था। तो हम कुछ पर मैंने कुछ परसेप्ट कर लिया था कि ये आदमी ऐसा है ना, इस मतलब इसने मुझ पे बहुत जुल्म किया है, या ऐसे ही कुछ बातें जो मेरे मन में ही चलती थी, उसका पता तो सामने वाले को था ही नहीं। बट वो चलते चलते मेरा भाव बिगड़ता था और उसका शरीर पे भी बुरा असर पड़ रहा था। अभी जाके देखती हूँ कि जब इस रास्ते से मैं बढ़ रही हूँ तो कई ऐसी बातों का सोल्यूशन अपने आप ही मिल जाता है कि सेहत भी बेहतर होते जा रही है। और हौच पौच भाव से हम कुछ काम करते हैं तो बड़ा समय लगता है, बट स्थिरता के साथ में और सहज भाव के साथ में अगर हम काम करते हैं तो काम का ड्यूरेशन भी बहुत मतलब कम हो गया। जो काम मैं पहले 1 घंटे में करती थी, मुझे ऐसा लगता है अब वो काम मैं क्रिस आधे घंटे में कर पा रही हूँ। तो एक दिखता है कि अगर हमारे विचारों में क्लैरिटी है, हमारा भाव स्थिर है, तो हम अंदर जितना सेटल हो मतलब सेटल रहते हैं, जितना सहज रहते हैं, उतनी ही सहजता से फिर हम बाहर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। एक तरह से ये कहा जाए तो ठीक है कि इफिशियंसी बढ़ती है, और वो इफिशियंसी बढ़ती हुई मैं खुद में मुझे मैं देख रही हूँ। ये सब एक्सप्लोरेशन के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि जिस तरह से मेरी इंटरनल जर्नी शुरू है, वैसी हर एक मानव की अपनी अपनी इंटरनल जर्नी तो शुरू ही है। हम जितना मतलब मैं जितना अपने में देख पाती हूँ उतना मैं उसको समझ पाती हूँ, और थोड़ा बहुत उस पे काम करके आगे निकल पाती हूँ। ऐसा ही सभी मानव का है। तो यहाँ से और एक है कि जैसे मैं मेरे सासू माँ से बहुत डरती थी, वो डर का कारण क्या था इसको खुद में एक्सप्लोर किया, और धीरे धीरे अभी मतलब वो डर तो बहुत हद तक कम हुआ, बट एक्सप्रेशन भी जो बहुत जरूरी था। जीना है तो व्यवहार या भाषा ये तो अनिवार्य ही है। अब मैं जितना खुद को देख पाती हूँ उतना ही मैं माँ को भी देख पाती हूँ। वो भी उनको एक व्यक्ति के रूप में अगर मैंने मतलब मैंने देखने का जब शुरू किया तो मुझे बहुत सारे क्लू मिले कि ऐसा क्यों होता है। उनको समझने का जितना मैं खुद को समझी उतना ही मैं उनको बेहतर बेहतर समझने लगी, और मुझे ऐसा लगता है हमारा संबंध पहले से कहीं निखर रहा है। एक संबंध में जब ऐसा निखरना शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी सभी संबंधों में फैलना भी शुरू होता है। तो जीने के लिए जो उत्साह है ना वो बनता है, और एक आश्वस्ति बनती है कि हम सभी के साथ में इतनी ही उत्साहपूर्वक जी सकते हैं। जब मैं स्वयं को सहजता में देखती हूँ तो मैं वो और अगर दुखी भी हूँ और सहज भी हूँ तो उसके पीछे का भाव मतलब क्या मान्यता है, इसको देखने के बाद में ये समझता है कि
कहीं कुछ मैंने गलत मान लिया है जो जो मुझे दुखी कर रहा है, तो वो गलत मान्यता हटाने के, मतलब हटाना नहीं है लेकिन सही क्या है इसको समझना है। तो समझने के लिए फिर प्रयास होता है, और सहज भाव में होती हूँ फिर भी मैं चेक करती हूँ कि इसके पीछे क्या मान्यता है। तो इसके पीछे जो मान्यता है वो सहज स्वीकृति के साथ में होती है, तो वो अल्टीमेटली समझता ही है कि हम सहज भाव में हैं। गलत मान्यता के पीछे कहीं गलत संस्कार भी मुझ में मैं देख पा रही हूँ। उस संस्कार के परिमार्जन के लिए सही कंटेंट को समझ के कंटेंट को समझना ये अनिवार्य बनता है। स्टेप्स 6 में जो भाव मुझ में चल रहा है वो संबंध का है, व्यवस्था का है या सह अस्तित्व का है, इसको जब जांचने जाती हूँ तो अभी तो बहुत बार ऐसा ही दिखता है कि समन का भाव होता है या विरोध का भाव होता है, या भाव ही नहीं दिखता है, बहुत सूक्ष्मता में भाव होता है जिसको मैं अभी पकड़ नहीं पा रही हूँ, यह स्थिति है। लेकिन ये स्टेप है जहां पे हमको, मतलब जो गलत है उसको हटाना नहीं है, उसकी जगह पे सही क्या होना है वो समझ के लिए प्रयास करना है। यहाँ से फिर शुरू होता है। तो सहअस्तित्व, व्यवस्था और संबंध को समझना, और उसके लिए फिर उसके साथ साथ एक्सप्लोर करना, ये अभी चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कानपुर में मैंने एक एक महीने के सार सत्र किए, सारे वाङ्मयों का पठन किया, और सही शब्दों को सही अर्थ दे पाकर उसको फिर वैसे पढ़ा और वैसे उससे क्या एक्सट्रैक्शन निकाल के फिर वैसे उसको देखने का प्रयास किया, तो वो बात है कि जो मुझे सही सही रास्ते पे चलने के लिए या सोचने के लिए फिर सहायकारी मिली। इस क्रम में चलते हुए मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड मन में आता है, कोई एक नहीं है जो मेरे इस प्रगति के लिए सहायकारी है। बचपन से या कहीं पहली शरीर यात्रा में कितने लोगों ने प्रयास किया होगा कि हर मानव की उन्नति का रास्ता प्रशस्त हो। प्रकृति ने भी कितना श्रम किया है कि आज हम अपने शरीर के साथ में मतलब ये सब कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड का जो दायरा है ना, वो दिखता है वो कितना बड़ा है। निरंतर सुख को सुनिश्चित करने के हेतु सहअस्तित्व, व्यवस्था, संबंध को समझना है, और उस भाव के साथ में हमको जीना है। इस संकल्प के साथ में अभी प्रयास में हूं। अभ्यास 2 को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ट्रिगरिंग स्टेप यही है कि जो मैं संवेदना या बाहर से कुछ पा रही हूँ उसको मैं कैसा अर्थ दे रही हूँ। तो अर्थ देने वाला अधिकार तो मेरा ही है, और अर्थ जैसे पहले जो हम अर्थ देते थे वो कुछ मान्यता के आधार पर देते थे, हमने कुछ मान लिया था किसी किसी व्यक्ति के लिए, और किसी परिपेक्ष में हम जाते थे तो उस परिपेक्ष में उस परिस्थिति को भी कुछ अजम्पशन अज्यूम कर लिया था, उसी के आधार पे हम उसको अर्थ दे रहे थे। लेकिन उसको सही सही अर्थ दे पाना भी एक अभी डेवलप होता हुआ मुझे दिखता है। ये भी मुझे स्पष्टता से दिखता है कि सारी संवेदनाओं को मैं नहीं पढ़ती हूँ। जहां पे मुझे जो संवेदना मुझे महत्वपूर्ण लगती है उस पे मुझे ध्यान जाता है और उसको मैं पढ़ती हूँ। तो जब पहली बार गणेश भैया के साथ में इंटरेक्शन हुआ तो मुझे उनका एक वाक्य बहुत ट्रिगर किया कि जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं उसी को, उसी पर आप ध्यान देते हैं। आप खुद को महत्वपूर्ण मानते नहीं है इसीलिए आपका ध्यान आप पे नहीं जाता है। ये बात मुझे बहुत ट्रिगर थी, और बार बार जब मेरा भाव बिगड़ता था, विचार बिगड़ता था या अंदर कुछ हलचल होती थी तो मुझे ये बात बार बार याद आती थी।
और यही वाक्य फिर मुझे अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। मैं शरीर को जैसा संकेत देती हूँ वैसा शरीर करता है, ये भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। तो ये बात तो समझ में आती है कि अगर 100% में देखे तो 80% जीना तो हमारे साथ में ही, मतलब खुद के साथ में ही होता है। 20% या उससे भी कुछ कम है जो हम बाहर के साथ में जीते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है कि जितना मैं खुद में सेटल हूँ या खुद में सहज हूँ उतना मैं बाहर फिर रिस्पॉन्ड अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छे से इस शब्द को ऐसे लिया जाए कि उसका मैं संबंध को देखते हुए या फिर उसको निखरने के अर्थ में सामने वाले को समझ के प्रकृति की हर इकाई की व्यवस्था को समझते हुए उसके साथ में फिर रिस्पॉन्ड करना होता है। जितना मैं अभी बता रही हूँ उतना हर क्षण हो रहा है ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। कभी कभी स्लिप हो जाता है बट ध्यान जाता है कि अभी यहाँ पे मैं चूक गई हूँ। कभी कभी जब कुछ संवेदनाओं को जब मैं पहली पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ में ड्रैग अलोंग हो रही हूँ। अभी उसको और उस संवेदना को और मुझ में थोड़ी दूरी बन गई है। मैं उसको तटस्थ की तरह देख पाती हूँ और ड्रैग अलोंग नहीं होती हूँ। इससे मुझे मुझ में मतलब ये मुझे अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगने के स्तर पे ही है बट मैं इसको कर पाई ये उत्साह मुझ में बना है कि हाँ आगे जाने के लिए रास्ता है। और जितने भी स्टेप्स इसमें बने हैं अभ्यास 1 और 2 में तो हर एक स्टेप में अभ्यास करते हुए मुझ में मेरी अलग अलग स्थिति को मैं देख पाती हूँ। उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए मैं ही कुछ रास्ता बनाती हूँ क्योंकि मतलब अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है वो तो मैं ही देख पाती हूँ ट्रांसपेरेंटली। तो वहां से बाहर कैसे निकलना है इसका भी रास्ता तो मुझे ही तय करना है। अभी मैं ये देख पाती हूँ कि दूसरा जो मुझसे व्यवहार करता है जो भाषा यूज करता है वो उसकी एक अपनी स्थिति है। तो जैसी मेरी स्थिति को मैं देख पाती हूँ वैसे मैं उसकी स्थिति को भी देख पाती हूँ। तो उसको अपने एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस देना फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कहता है और हमको उसका रिस्पॉन्ड करना ही होता है। कभी कभी सुन लेना ही बहुत बड़ी बात लगती है क्योंकि अभी हम स्कूल में कॉलेज में समाज में परिवार में हर सब में जब जब हर जगह पे हम देखते हैं तो ऐसा बहुत ही कम प्लेटफॉर्म मिलता है जब आदमी खुद को बता पाए या वो इस आशय से बताता है कि कोई मुझे सुन ले। उसको सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ऐसा मैं मानती हूँ। तो दूसरों को ठीक से सुन पाना या फिर किताब पढ़ रही हूँ तो उसमें से भी मैं उसको ठीक से पढ़ पाऊँ उसको ठीक से अर्थ दे पाऊँ ये इस प्रयास में अब मैं हूँ। और वो प्रयास मुझे आगे जाने के लिए काफी सहायकारी लग रहा है। ये भी देख पाती हूँ कि जैसा मैं उसको अर्थ देती हूँ वो मेरे संस्कार का भाग है। तो संस्कार को देखना कुछ एक बुरा संस्कार दिखता है तो कुछ अच्छा भी दिखता है। तो उसके साथ में अच्छा है तो उसके साथ में आगे जाने के लिए उत्साह बनता है। अब बुरा संस्कार दिखता है अपने आप में तो उसको स्वीकारना उसको परिमार्जन है तो फिर समझ के मतलब समझ के फिर उसको परिमार्जित करना इस दिशा में मैं बढ़ रही हूँ ऐसा मुझे लगता है। बट जो भी कुछ अचीव किया है वो एक टिप ऑफ फिंगर है बस। मतलब बहुत कुछ अभी समझने को और जीने का बाकी है। हमारा जीना हर समय मतलब परिवार में समाज में राष्ट्र में और इस प्रकृति में हर पल हम खुद को पाते ही है परस्परता में। तो ये देखने वाली ही बात है कि मेरी भागीदारी तो हर समय है ही
बट उसको मैं कितनी सार्थकता से कर पा रही हूँ। समझ के रास्ते पे चलते हुए हर भागीदारी को रिस्पॉन्सिबिली निभा पाऊं, इसके प्रयास में हूँ। अभी अगर समाज में उतर के देखे तो परिस्थिति ऐसी है कि हम हर समय खुद को मझदार में पाते हैं, लेकिन हर इंसान, मतलब मैं मानती हूँ कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में हूँ उसी वहीं से चलते हुए मेरी भागीदारी मेरे समझ के अर्थ में आगे बढ़ने के अर्थ में है, परिवार में जीने के अर्थ में है, समाज में भागीदारी के अर्थ में है, राष्ट्र में भी वो भागीदारी अनसेड अनरिटन फॉर्म में मैं देख पाती हूँ, और प्रकृति के साथ में तो हर समय हर मानव में जुड़ा हुआ ही देखती हूँ। यही समझ के साथ में मैं वॉलंटरिली प्रकृति के साथ में या टीचिंग में भागीदारी करने के प्रयास में हूँ, और उसको अच्छी तरह से समझ के फिर करना चाहती हूँ। उसके लिए आप सभी का मुझे सहकार्य मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, पूरी यूएचवी टीम को उसके लिए मन से धन्यवाद। एक दूसरे के साथ में रहते हुए फ्लो को एक्सप्लोरर की तरह हम साथ साथ जिएंगे, इस पे अभी विश्वास बन रहा है। अब कमिटमेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समय समझ के अर्थ में ही मैं लगा पाऊं, हर समय मेरा ध्यान मुझ पे ही टिका रहे, इसके लिए मैं कमिटेड हूं। शिक्षा में इनवॉलंटरीली पहले भी मैं इन्वॉल्व थी ही, बट अभी उसको कई सार्थकता से मैं कर पाऊंगी, इसका विश्वास बन रहा है। परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी को भी मैं देख पाती हूँ। एक लंबी गैप के बाद में, मतलब शादी के 13 साल के बाद में फिर मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया, और घर में ऐसा माहौल था कि किताबों से ही दिन शुरू होता था, किताबों से ही दिन खत्म होता था, तो बच्चों को कभी ऐसा कहना नहीं पड़ा कि आप पढ़ाई करो। बट पढ़ाई के साथ में आपस में संवाद की जो यात्रा है ना, वो हम कंटिन्यू रख पाए, और उसका ही फलित है कि अंजलि, आदित्य, माँ और महेश जी, हम संवाद बना पाए और उसको अभी संवाद को आगे ले जा पा रहे हैं। प्रकृति में, मतलब नेचुरल फार्मर्स की टीम को एक मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, तो मोरोवर मैंने एक कल्पना करी थी और एक कदम रखा था, लेकिन ऐसा दिखता है कि समाज में जब हम कुछ सार्थक काम करने जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग हमसे जुड़ जाते हैं, तो ऐसे ही बहुत अच्छे लोगों की टीम बनी, और हम टीम के साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करने का काम अभी कर रहे हैं। तो जितना केमिकल धरती में जा रहा है, क्या उसको समझ के साथ में हम कम कर सकते हैं? पहले ये खुद में एक्सप्लोर किया, खुद में वैसा जिए, और जो हमने जिए वो शेयरिंग के रूप में हम सोसाइटी में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर, ऑफिसेस में जाकर, या कोई हमको बुलाता है तो वहां जाकर हम बताते हैं कि कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा प्रॉब्लम तो सुविधा संग्रह से ही आ रहा है। धरती को अगर स्वस्थ रखेंगे तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मतलब इस आशय के साथ में ये बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बट मुझे यही दिखता है कि कंटेंट कितना भी पावरफुल हो, हम कितने भी अच्छे बोले, सामने वाला तो हमारा जीना देखता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जितना हम अच्छे से जीते हैं उतना ही हम कॉन्फिडेंटली सबको बता पाते हैं। तो ये नेचर को जैसा है वैसा रख पाने का प्रयास हमारा टीम वर्क के साथ में शुरू है। हमारे साथ में जो है दर्शना दीदी, अलका दीदी, दीपा दीदी, तीनों भी मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं, और अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं और समाज में भागीदारी दे पा रहे हैं, इसका एक सेटिस्फेक्शन अंदर है। जी, सभी को नमस्ते। प्रतिभा जी, बहुत ही, मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही आपने, इतने सरलता से, इतनी सादगी से
और इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने स्पष्ट तरीके से वो पॉइंट्स पे ध्यान दिलाया और उसको हम कैसे जी सकते हैं उस बात को रखा। जैसे कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने याद दिलाए कि हम अपना अधिमूल्यन कैसे कर लेते हैं और उसकी वजह से हम, हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है, हम क्या देखते हैं, और ये कि गलत को हटाना नहीं है, सही को देखना है। आई थिंक ये सब जो आपने पॉइंट्स बताए हैं ये हर किसी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे कि वो अपने आप में भी देखें क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये इन पॉइंट्स में आके हम अटक जाते हैं, रुक जाती है हमारी गाड़ी आगे चलने के लिए। तो काफी कुछ जो आपने बताया और इतनी ह्यूमिलिटी के साथ आपने जो बात को रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारी लग के आपने जो किसानों के साथ ये काम लिया है और जिसको आप आगे ना मूवमेंट की तरह से ले जा रहे हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक है सभी के लिए। और घर में भी इतना सब बदलाव लाना, वो तो है ही कि अपने अंदर जब बदलाव आता है तो घर में भी उसका पूरा दायरा दिखता है। को प्रतिभा जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद दीदी।